आमिर कैसे बने? धन कमाने के तो भैया बहुत सारे रास्ते हैं और लोग अपनी अपनी पद्धति से धन कमाते हैं। हमारे जैसे लोग थोड़ा बहुत गाइड तो करते धन कमाने के लिए, उसको बढ़ाना कैसे क्या और बचाना कैसे क्या? अगर महीने भर में अपन 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें से सेविंग कैसे करनी और घर कैसे चलाना? नहीं, धन का तो हम वर्ताव जो है व्यवहार शास्त्र अनुसार बता सकते हैं। शास्त्रों में जिस प्रकार से धन की सुरक्षा के बारे में कहा है वो मैं बता सकता हूँ। तो हमारे मनुस्मृति में धन के भोग के बारे में मनुस्मृति में लिखा मनु महाराज ने कि धन के 5 हिस्से करने चाहिए, चाहे आप कम कमाते या ज़्यादा कमाते। अगर आप रोज़ 5 हिस्से करते धन के तो आप कभी भी गरीब नहीं रह सकते। आपकी आमदनी कम होकर परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो सकता है और थोड़ा सा धन सेविंग भी हो सकता है। तो धन के 5 हिस्से करें, एक हिस्सा जो है समाज के खर्चे में रखें, एक हिस्सा औलाद के लिए, एक हिस्सा माता पिता के लिए, एक हिस्सा धर्म के लिए और एक हिस्सा सेविंग के लिए। तो आपकी कमाई कम या ज़्यादा जितनी भी होती है उसकी रीत समान होनी चाहिए, 5 हिस्सों में बंटना चाहिए वो धन। तो फिर आपको जीवन में कभी कमी नहीं पड़ेगी धन की और सेविंग की, और दिन प्रतिदिन आपकी उन्नति होती ही जाएगी, क्योंकि आप 4 जगह हिस्सा खर्चे का निकाल रहे हैं, इसलिए सेविंग में से आपको हाथ लगाना ही नहीं पड़ेगा कभी। आदमी सेविंग करता नहीं है और एक जगह खर्च करता है, 3 जगह उसे बांटता नहीं, इसलिए वो कभी कभी धनवान होकर भी घाटे में चला जाता है और उसकी उन्नति रुक जाती है। कई लोग बहुत कमाते हैं पर नहीं, खर्चा में सब चला जाता है, क्योंकि वो 5 जगह विभाजन नहीं करते उसका। आप घर में 5 रोटी बना के 5 जगह अलग अलग रख दो तो कितना भी सातिर कुत्ता बिल्ली होगा 5 रोटी को खा नहीं सकते। यानी कोई ना कोई रोटी आपकी बचेगी, कुत्ता खाएगा तो भी चोरी से, यानी धन चोर आएंगे तो भी बचेगा। इसलिए धन को विभाजित करके रखने से ही धन की वृद्धि होगी और धन की पवित्रता। एक हिस्सा मैंने कहा दान पुण्य भगवान के नाम का जो है उससे धन शुद्ध होता है और धन शुद्ध होगा तो अधिकतम में टिकेगा। इसलिए दिवाली में हम लोग अभी बर्तनों को साफ करते हैं कि नहीं, फिर साल भर तक टाँड पर रख देते, साल भर तक टिके रहते, वो गंदे नहीं दिखते, अच्छे लगते। तो ऐसे धन की वृद्धि के लिए धन को शुद्ध करना, यथास्थान यथा जगह पवित्र स्थानों पर आवश्यकता अनुसार अपनी कमाई का 5वां हिस्सा दान करते रहना, उससे धन शुद्ध होता है और उसकी आयु बढ़ती है। औलाद की अच्छी शिक्षण अच्छे संस्कारों के लिए खूब खर्च करना 1 हिस्से को, उससे भी धन की आयु बढ़ती है। बच्चे पढ़ जाते हैं तो बच्चा धन में कन्वर्ट हो जाता है, बच्चा ही धन बन जाता है, फिर वो कमा के देता है, फिर ऐसे धन बढ़ता है। ऐसे ही धन की वृद्धि मानी गई है।